दोस्तों, क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पर उर्दू लिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप रोमन उर्दू लिखें, जैसे कि आप मैसेज में लिखते हैं, और वो रियल उर्दू में कन्वर्ट हो जाए? दोस्तों, अगर आपके पास एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं है और आप उर्दू लिखना नहीं जानते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चलूँ, ये मेरा चैनल है techurdu.pk। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उर्दू लिखना एक्सपर्ट्स का काम है, या फिर किसी हाई एंड सॉफ्टवेयर में लिखी जाती है, जैसे कि InPage, जो कि एक्सपर्ट ही लिखते हैं। तो एक आम बंदा उर्दू किस तरह लिख सकता है अपने सोशल मीडिया के ऊपर? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, और गूगल में आ जाने के बाद आपने लिखना है डाउनलोड गूगल इनपुट टूल्स। जैसे ही आप डाउनलोड गूगल इनपुट टूल्स लिखेंगे, तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर राइट साइड पर देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाएंगी। यहाँ से आकर आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आई एग्री टू द गूगल टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर ये आ गया है इनपुट टूल्स। आपने जस्ट सिंपली इसको रन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये इसमें सिर्फ एक दो सेकंड लगेंगे, मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने यहाँ पर देखेंगे इस साइड पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा इंग्लिश का। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे, गूगल इनपुट टूल्स। तो जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ से आकर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपको पास उर्दू आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं। अब मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। अब आप नोटपैड में अपनी रोमन उर्दू में लिखेंगे, जैसा कि आप एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, नॉर्मल मैसेजेस करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं, जैसा आप रोमन उर्दू में लिखते हैं और वो रियल उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। दोस्तों, आपका क्या हाल है? नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी रोमन उर्दू में लिखा और ये इसने इसको रियल उर्दू में कन्वर्ट कर लिया। चलिए यहाँ पर कुछ और लिखते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये सिंपल सी एक गूगल की टूल थी, गूगल इनपुट टूल्स। ये आपने जस्ट आकर सिंपली इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर राइट साइड पर एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आपके पास इंग्लिश है, और फिर आपके पास गूगल इनपुट टूल्स। आपने इनपुट टूल्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इनपुट टूल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये टूल्स आ जाएंगे। उसके बाद आप आसानी से कहीं पर भी अपने सोशल मीडिया पर या गूगल पर, जैसा कि आप जहाँ पर चेक करते हैं, मैं यहाँ पर दोबारा गूगल पर आ जाता हूँ, और अब देखें यहाँ पर भी ये उर्दू में लिख रहा है। तो अगर आप फेसबुक पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे, तो आप उर्दू में ये सब कुछ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें आप कोई परेशानी की बात नहीं है, या आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, या आपको InPage सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको उर्दू प्रॉपरली लिखने की और एक्सटर्नल कीबोर्ड लेकर उसमें उर्दू लिखना या सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रोमन में लिखकर उसको रियल उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल techurdu.pk को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के टच एंड ट्रिक्स की बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।